after Aam Aadmi Party leader Javed Ahmed has been named in the killings that took place in Nuh in the state of Haryana. The BJP has upped the ante. Bharatiya Janata Party is now attacking the Aam Aadmi Party and saying that in the year 2020, when the riots took place in the national capital, one leader from the Aam Aadmi Party, Tahir Hussain, was at the center of it, and now another leader from the same party, Javed Ahmed, has been named in the violence that took place in Nuh in the state of Haryana. Javed Ahmed is accused of allegedly killing a Bajrang Dal activist. My colleague Arvind Oja has filed this report from the spot. इस वक्त मैं हरियाणा के सोहना इलाके में मौजूद हूं और 31 जुलाई को तकरीबन 10:30 बजे रात को इसी इलाके में बजरंग दल के लीडर प्रदीप शर्मा की हत्या की गई थी। उन पर जानलेवा हमला किया गया था। दरअसल प्रदीप शर्मा नूह से अपने एक साथी के साथ आ रहे थे। उसी दौरान सोहना इलाके में जमकर हिंसा हुई थी। आप देख पा रहे हैं ये जो तमाम दुकानें हैं इनको आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ कई जो दुकानें हैं वो जली हुई हैं और यहीं पर हिंसा हो रही थी। उसी दौरान ये आरोप है कि इलाके के एक आम आदमी पार्टी के जो लीडर है जावेद, वो भीड़ को यहाँ पर उकसा रहा था और उसी दौरान प्रदीप शर्मा अपने साथी के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। और जो FIR दर्ज करवाई गई है उसमें पवन नाम के शख्स ने बताया है कि जावेद यहाँ पर भीड़ को उकसा रहा था और ये कह रहा था कि जान से मार दो, जो होगा मैं देख लूंगा। उसके बाद प्रदीप शर्मा की गाड़ी पर 20 से 25 लोगों ने हमला किया जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। अब प्रदीप शर्मा के साथ जो उसका सहयोगी पवन था उसने सोहना पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जो लीडर है जावेद अहमद खान, उसके खिलाफ धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं जावेद से आज तक ने बातचीत करने की कोशिश की, उसका कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। वो शाम 6 बजे से ही अपने घर से कहीं गया हुआ था और दूसरे दिन सुबह 7 बजे आया, जबकि घटना 31 जुलाई रात 10:30 बजे की है। बहरहाल इस मामले में सोहना पुलिस मामले की जांच कर रही है।